यहाँ पर उच्च शिक्षा की फैसिलिटीज़ कम है महिलाओं के लिए, उस वजह से उनकी पढ़ाई एक सीमा के बाद रुक जाती है, सीमित पढ़ाई रह जाती है 12वीं तक। तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि सरकार या ना सरकार, सरकार आए या ना आए, पर अपने माध्यम से कि उनके लिए इस क्षेत्र में कुछ किया जाए, कोई इंस्टीट्यूट ऐसा जो सिर्फ महिलाओं के लिए हो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में। मेरे संसदीय क्षेत्र कैराना में आपके माध्यम से सरकार से मैं मांग करती हूँ कि विजय सिंह पथिक डिग्री कॉलेज कैराना में बीएड एलएलबी जैसे कोर्सेज शुरू किए जाने चाहिए जिनसे युवा और महिला अपने रोजगार खुद ढूंढ सके। नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, लंदन से पढ़कर आई इकरा हसन जब संसद में उन्होंने बोलना शुरू किया तो पीछे बैठे सांसदों ने वाह वाह करना शुरू कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ सदन के अंदर जो इकरा हसन की इतनी तारीफ होने लगी? इतना ही नहीं दोस्तों, इससे पहले जब बयान दिया था, जब भाषण दिया था संसद के अंदर इकरा हसन ने, उस वक्त भी लोगों ने कहा, खासकर हिंदू लोगों ने कहा कि इकरा हसन ने दिल जीत लिया है। और इसके साथ ही साथ जब भारत एक सोच ने इकरा हसन से बात भी की थी, तब भी उन्होंने जो बात कही थी इलेक्शन से पहले, चुनाव से पहले जब चुनाव चल रहा था, वो जो बात कही थी उसी की एक झलक संसद के अंदर दिखाई दी है। तो ये तीनों चीजें हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला कि आज ताजा बयान क्या कुछ निकल कर आया है संसद भवन के अंदर, भाषण में क्या कुछ कहा, इकरा हसन ने क्या मुद्दे उठाए। दूसरा, जो इससे पहले उन्होंने बयान दिया था, तारीफ हो रही थी इकरा हसन की, वो हम आपको सुनाएंगे। और तीसरा, जो बात यहां पर कही थी इलेक्शन से पहले इकरा हसन ने भारत एक सोच से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए, वही बात सदन में भी उन्होंने उठाई है, वो बयान भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि इकरा हसन ने क्या कुछ मुद्दा उठाया है। दोस्तों, अपने लोकसभा क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए अपनी मांगों को सदन में रखा है इकरा हसन ने, जिसमें उन्होंने शिक्षा मंत्री से अपने क्षेत्र में नई डिग्री कॉलेज खोले जाने के लिए से लेकर गर्ल्स हॉस्टल बनाने और शिक्षा मित्रों को लेकर अपनी बात रखी है। गर्ल्स हॉस्टल बनाने की भी मांग रखी है इकरा हसन ने। इकरा हसन ने शिक्षा को लेकर जो मांग रखी उसकी सदन में काफी तारीफ हुई है दोस्तों। जी हां, इकरा हसन ने इस दौरान कैराना के विजय सिंह पथिक डिग्री कॉलेज में बीएड और एलएलबी जैसे कोर्स शुरू किए जाने की मांग रखी है। उन्होंने कहा कि इससे उनके क्षेत्र की महिलाओं और युवाओं को रोजगार ढूंढने में मदद मिलेगी। जमीनी मुद्दे उठाती हुई दिखाई दे रही हैं इकरा हसन। इसके साथ ही इकरा ने जनपद शामली नकुड़ में गर्ल्स डिग्री कॉलेज और गर्ल्स हॉस्टल खोलने की मांग की और कहा कि शामली में नया केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय खोले जाएं। सुनिए जरा इकरा हसन ने क्या कुछ कहा। आपके माध्यम से सरकार से मैं मांग करती हूँ कि विजय सिंह पथिक डिग्री कॉलेज कैराना में बीएड एलएलबी जैसे कोर्सेज शुरू किए जाने चाहिए जिनसे युवा और महिला अपने रोजगार खुद ढूंढ सके। जनपद शामली के कैराना और ऊन में और सहारनपुर के नकुड़ में गर्ल्स डिग्री कॉलेज और गर्ल्स हॉस्टल खोले जाएँ। जनपद शामली में नया केंद्रीय विद्यालय व जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने जाने की मांग करती हूं। दोस्तों, इकरा हसन हिंदी और इंग्लिश दोनों में उन्होंने अपनी बात रखी सदन के अंदर और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की भी मांग रखी। इकरा हसन ने प्रधानमंत्री उच्च स्तर शिक्षा अभियान के तहत सहारनपुर की माँ शाकुंभरी देवी महाविद्यालय को अपना कैंपस और प्रोफेशनल कोर्सेस चलाने के लिए विशेष धनराशि दिए जाने की मांग की है। दोस्तों, इकरा हसन खुद पढ़ी लिखी महिला हैं, पढ़ी लिखी सांसद हैं, लंदन से पढ़कर आई हैं, तो वो जानती हैं कि आज के दौर में बच्चों को, स्कूल जाने वाले या कॉलेज जाने वाले लोगों को, युवा यूथ को आखिर क्या चाहिए। वही मांग अपने क्षेत्र के लिए करती दिखाई दे रही थी इकरा हसन, जरा सुनिए। और माँ शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय सहारनपुर को अपना कैंपस और विभिन्न प्रोफेशनल कोर्सेज चलाने के लिए विशेष धनराशि प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत दिए जाने की मांग करती हूँ। उत्तर प्रदेश राज्य में शिक्षा मित्रों का संयोजन अध्यापकों के पद पर किया जाए ताकि प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सके। धन्यवाद। दोस्तों, इलेक्शन से पहले जब हम कैराना पहुंचे थे, शामली पहुंचे थे, वहां पर इकरा हसन से हमने बातचीत की थी। मैंने खुद इकरा हसन से एक्सक्लूसिव बातचीत की थी। उस वक्त इकरा हसन ने कहा था कि यहां के मुद्दे शिक्षा है, रोजगार है, यहां की महिला जो हैं उनको सशक्त किया जाना चाहिए, पलायन किसी तरह का कोई मुद्दा नहीं है, इसको जबरदस्ती मुद्दा बनाया गया है। जो बात उस वक्त इलेक्शन से पहले इकरा हसन ने अपनी बातों में कही थी, इंटरव्यू में कही थी, वही बात सदन के अंदर उठाती दिखाई दी। यानी कि जो कहा वो करके दिखाया इकरा हसन ने, जरा सुनिए।
क्या क्या इशू है, क्या विज़न है आपका? चूंकि आप बाहर से भी पढ़कर आई हैं तो लोग कह रहे हैं कि भाई पलायन का मुद्दा तो है ही, लेकिन इकरा हसन जो है वो बेरोज़गारी और यहाँ की बच्चियों और महिलाओं के बारे में ज़्यादा सोच रही हैं। ज़रा एक बार दर्शकों को बताएं विज़न क्या है। देखिए, पलायन का पहले तो मैं क्लैरिफाई कर दूं, कोई मुद्दा नहीं है। ये एक प्रोपेगेंडा था जो 17 में शुरू हुआ और 17 में कैराना सीट पर भाजपा हारी, जनता ने इस मुद्दे को नकारा। 22 में दोबारा इसको शुरू किया गया लेकिन फिर से जनादेश भाजपा के खिलाफ रहा, तो धरातल पर ये मुद्दा है ही नहीं। जैसा आप बता रहे थे कि यहाँ पर उच्च शिक्षा की फैसिलिटीज़ कम है महिलाओं के लिए, उस वजह से उनकी पढ़ाई एक सीमा के बाद रुक जाती है, सीमित पढ़ाई रह जाती है 12वीं तक। तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि सरकार या ना सरकार, सरकार आए या ना आए, पर अपने माध्यम से कि उनके लिए इस क्षेत्र में कुछ किया जाए, कोई इंस्टीट्यूट ऐसा जो सिर्फ महिलाओं के लिए हो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में। सुना दोस्तों आपने इकरा हसन ने यहाँ पर क्या कुछ कहा था इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद। अब जब सदन में पहुंच चुकी है, लोकसभा में पहुंच चुकी है, उस वक्त भी वो अपनी बातों को भूली नहीं। जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा उन मुद्दों को सदन के अंदर भी उठाती हुई दिखाई दी। इसके साथ ही साथ जब 26 जुलाई को लोकसभा में उन्होंने अपना पहला भाषण दिया था, शामली, प्रयागराज और वैष्णो देवी के बीच रेल संपर्क पर भी जोर दिया था, वैष्णो देवी के लिए रेल चलाने की मांग की थी। उस वक्त यह कहा गया, जो लोग थे वो इकरा हसन की काफी तारीफ कर रहे थे। क्या कुछ कहा था 26 जुलाई को पहले भाषण के दौरान इकरा हसन ने, दोस्तों सुनिए। शामली से प्रयागराज तक और शामली से वैष्णो देवी तक नई ट्रेनों के चलाने की मांग क्षेत्र के लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं। प्रयागराज में उच्च न्यायालय का होना और वैष्णो देवी एक धार्मिक तीर्थ स्थल होने के कारण दोनों स्थानों की कनेक्टिविटी अति आवश्यक है। अंत में दिल्ली शामली सहारनपुर रेल मार्ग पर स्थित जंधेड़ी फाटक व रामपुर फाटक के ऊपर रेलवे पुलों का निर्माण काफ़ी लंबे समय से अधर में लटका हुआ है, जिसे क्षेत्र की जनता बहुत परेशान है। इन दोनों रेलवे पुलों का निर्माण जल्दी से पूरा कराया जाना भी बेहद जरूरी है। तो इकरा हसन दोस्तों लोकसभा के अंदर जमकर अपनी बातों को उठा रही हैं, अपने मुद्दों को उठा रही हैं। आगे आने वाले वक्त में देखना होगा कि किस तरह से अपनी राजनीति को और आगे बढ़ाती हैं इकरा हसन। इस पूरी खबर पर आप भी अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो दोस्तों तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।